Shiraz this side and this video will be about my controls, my sensitivity and my training routine. तो ये वीडियो में स्टार्ट करूँगा पहले अपने कंट्रोल, अपनी एडवांस सेटिंग्स और मेरे कंट्रोल और मेरे सेंसिटिविटी दिखा के, जिसे कंट्रोल कोड और मेरी सेंसिटिविटी चाहिए वो मैं ट्राई करूँगा इंस्टाग्राम पे अपडेट करने की, पर उसे मैं जितनी भी बार अपडेट कर देता हूँ वो बहुत जल्दी एक्सपायर हो जाता है, आई डोंट नो वाई। तो आप यहाँ वीडियो में से पॉज करके मेरे कंट्रोल्स और सेंसिटिविटी कॉपी कर लीजिएगा, वरना जिसको जब भी ज़रूरत होगी तो भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहूँ मेरे कंट्रोल सेंसिटिविटी कोड। बाकी मेरे ग्राफिक सेटिंग्स आप इसमें देख सकते हैं। कंट्रोल्स मेरे बेसिक 5 finger claw है, जिसमें मैं थंब वाला बटन बहुत यूज़ करता हूँ क्लोज रेंज और शॉटगन और DMR के लिए। सेंसिटिविटी मेरी जायरो की काफ़ी लो है, जायरो की मेरी सेंसिटिविटी 3xE177 है और 4xE143 है। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि व्हीकल ट्रेन से कैसे करते हो, या ब्रो आपकी लेन आपकी सेंसिटिविटी सच में इतनी लो है? तो हैबिट की बात है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे एक ना एक टाइम पे आके आपका हाथ बैठ ही जाएगा, चाहे जैसी भी सेंसिटिविटी हो। तो अब मैं आ जाता हूँ ड्रिल्स पे। तो ट्रेनिंग ग्राउंड एंटर करते ही मेरी पहली ड्रिल ये रहती है, आप देख सकते हैं। एक ही टारगेट मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ और उस टारगेट की हेल्थ में नॉर्मल रखता हूँ और उसकी स्पीड में फुल कर देता हूँ। तो इसमें मैं मोस्टली हिप फायर और शॉटगन प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर DBS में कवर से बाहर आके मारना, मतलब जितनी जल्दी मैं कवर से बाहर आके अंदर जा सकूँ कवर में वापस, वो प्रैक्टिस करता हूँ मैं इसमें। और ऐसे मूविंग टारगेट में ही मैं हिप फायर भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, किसी भी गन से हो गया। क्लोज टारगेट की स्पीड मैक्स रख के आप कवर टू कवर फाइट हो गई, या आप कवर में और आप पे बंदा पुश कर रहा हो, आप कुछ भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। ये तो होगी क्लोज रेंज या मूवमेंट प्रैक्टिस करने की ड्रिल। जो स्प्रेज है, स्प्रेज प्रैक्टिस करने से पहले जो मेन बात आ जाती है कि आपकी डिवाइस पे ग्रिप कैसी है। तो अगर आपको अपने डिवाइस पे ग्रिप चेक करनी है, तो मैं ये जो जाली या मैं जो ये फेंस पे ये स्प्रे मार रहा हूँ, अगर आप ऐसा स्प्रे नहीं मार पाते हो कम्फर्टेबली, अगर ऐसा आपको लॉन्ग स्प्रे मारने में, स्टेबल स्प्रे मारने में दिक्कत आती है, तो आप डिवाइस को अच्छे से नहीं पकड़ते हो। आपको अपनी ग्रिप पे वर्क करना पड़ेगा जब तक आप ऐसे स्प्रे नहीं मार पाते हो। बाकी एक बार अगर आपका अगर ग्रिप स्टेबल हो जाए डिवाइस पे, ग्रिप आपकी सेट हो जाए, तो उसके बाद मेरे रूटीन में सबसे पहली चीज़ स्प्रेस के लिए मैच स्टार्ट करने से पहले यही रहती है कि इस ट्रेनिंग मोड की सारी जितने भी टारगेट्स हैं 10 के 10, सबकी 100 HP मूवमेंट 0, सबको ऐसे सेट कर दिया और स्प्रे मारता रहा, 10 के 10 सेट मारता हूँ स्प्रे के। ये भी हमारी स्प्रे वार्म अप करने की ड्रिल है। अब मैं मेन बात पे आ जाता हूँ। मेन बात आ जाती है कि बर्स्ट कैसे लगते हैं और बर्स्ट कैसे मारते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी कि आपका बर्स्ट तभी जाएगा अगर आपका स्प्रे स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि बर्स्ट कैसे लगता है, बर्स्ट ऐसी चीज़ है कि बंदा अचानक से कवर के बाहर निकला, उसका स्प्रे स्ट्रॉन्ग है, उसने सिर्फ 10 गोली स्प्रे मारा, वो कवर में अंदर वापस चला गया, तो वो 5 या 10 गोली में उसने सामने वाले को पूरा कनेक्ट करा है स्प्रे, तो वो बर्स्ट लग जाता है। तो बर्स्ट मारने के लिए आपका स्प्रे स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। जैसे जैसे आपका स्प्रे स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद आप खुद नोटिस करोगे कि धीरे धीरे आपके बर्स्ट लग रहे हैं कहीं कहीं सिचुएशंस में। और खेलने के लिए बर्स्ट मारना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अगर आपके बर्स्ट नहीं लगते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका स्प्रे अच्छा नहीं है। और स्प्रेस के बारे में एक मेन पॉइंट होता है कि लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में आते हैं, लोग स्प्रे मारना प्रैक्टिस करते हैं, लोग गाड़ी ट्रेस करना प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन लोग मेन मिस्टेक क्या करते हैं मैं बताता हूँ। लोग जैसे स्प्रे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, नॉर्मल ट्रेस लोग करते हैं, लेकिन लोग स्लो ट्रेसिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे पहले आपको नॉर्मल ट्रेसिंग दिखाता हूँ, सिक्स की ट्रेसिंग होगी, ये रेड डॉट की ट्रेसिंग होगी, ठीक है? ये होगी हमारी नॉर्मल ट्रेसिंग। अब आपकी स्लो ट्रेसिंग भी आनी चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टली आपको जितना धीरे आप मूव कर सकते हो उसको उतना धीरे मूव करना। ये आपकी दूर की ट्रेसिंग और जो दूर के स्प्रे जाते हैं दौड़ते बंदे पे, उसमें बहुत हेल्प करता है। ये तो हो गई सारी स्प्रेस की ड्रिल। एक मैं अपने रूटीन में एक और ड्रिल रखता हूँ रिफ्लेक्सेस प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत सिंपल है। आपको यहीं इसी अपार्ट साइड रहना है और यहाँ पे जो गन साउंड प्रैक्टिस करने वाली ड्रिल होती है वो आपको हार्ड पे खेलते रहना है। अब इसमें क्या है, बॉट्स टाइप स्पॉन होते रहते हैं, इसमें ट्रेनिंग बॉट्स स्पॉन होते रहते हैं, वो किसी भी रैंडम डायरेक्शन में स्पॉन हो जाते हैं और वो आपकी तरफ शूट करते हैं, तो आपको गन साउंड आता है। तो आपको आदत डालनी है कि गन साउंड की ओर आप जितनी जल्दी मुड़ सको उतनी जल्दी मुड़ के आपको स्प्रे मार देना है, ठीक है? जितना आप ये प्रैक्टिस करते रहोगे उतने आपके रिफ्लेक्सेस अच्छे होते रहेंगे ओवर टाइम।
बाकी मेरा ट्रेनिंग रूटीन यही रहता है, मैं ट्रेनिंग ग्राउंड ज़्यादा नहीं करता हूँ, दिन में 30 से 40 मिनट्स मेरा रहता है दिन का, सुबह सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड में। उसके बाद मैं मैचेस खेलने लग जाता हूँ, दिन के मैं 8 से 12 मैचेस खेलता हूँ, डिपेंड करता है कितने मैचेस है और मैं बिज़ी हूँ कि नहीं। और मेरा रूटीन ट्रेनिंग यही है जितना मैंने दिखाया है, इससे एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल्स और सेंसिटिविटी मैंने वीडियो में दिखा दिए, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट करता रहूँगा सेंसिकोड और कंट्रोल्स को। एंड थैंक्स टू एवरीवन सपोर्टिंग माई चैनल, मुझे छोटे से टाइम में बहुत सपोर्ट मिल रहा है। और इस वीडियो में मैं और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, जितना मैं ट्रेनिंग रूटीन फॉलो करता हूँ उतना मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी अगली वीडियो हाइलाइट्स की, मोंटाज की या फुल मैच पीओवी में मैं ट्राई करूंगा 3 से 4 डेज में अपलोड करने की। और थैंक्स टू एवरीवन हु इज सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, आई विल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट, एंड पीस।